देखिए आपको मैं मार्केट की ओरिजिनल और सैमसंग केयर की ओरिजिनल के बारे में थोड़ा फ़र्क बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए सैमसंग केयर की जो ओरिजिनल है इसमें ग्राफिक्स आईसी वगैरह लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस कॉइल्स डायोड काफ़ी चीज़ें इसमें लगी हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज सैमसंग का M31 मेरे पास है, इसका मैं आज OLED डालना सिखाऊंगा आपको आज। इसमें काफ़ी भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर OLED कैसे लगती है, कैसे डाली जाती है, उसका तरीका बताइए। तो आज मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता दूँ OLED डाल सकते हैं, और OLED डालना ही इस फ़ोन में फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। LCD या TFT आप लगवा तो लेंगे मगर सेट गर्म होगा आपका, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। 400-500 रुपये का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। 900 रुपये की आपकी TFT या LCD आ जाती है, और ये आपको OLED जो इसकी मिल जाती है वो मिल जाती है आपको 1600 रुपये की। तो इसका प्राइस देखिए दुकान पर आपसे क्या ले लिए जाते हैं, 2500-3000 है ना, ऐसे लेते हैं ना। तो आज मैं आपको OLED डालना ही सिखा दूँगा, ठीक है। बहुत आसान है, बच्चा भी कर सकता है इस काम को, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट की वीडियो देख लेना टिक के। अच्छा देखिए अभी हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इसका बस ये वाला पत्ता हटाना है। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले बैटरी का पत्ता हमको रिमूव करना, वो मत भूलना दोस्तों। अभी डिस्प्ले का पत्ता मत हटाना। ये बैटरी का पत्ता दोस्तों, इसको डिस्कनेक्ट करना है बस। अब हम कुछ भी काम कर सकते हैं फ़ोन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से पत्ता रिमूव करेंगे, ऐसे उठ जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी डिस्कनेक्ट कर देंगे इसको, नाखून से उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये उठ गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, वीडियो पीछे करके देख लेना अगर कोई चीज़ आपको भूल जाते हैं आप। तो ये मेन जिस तरफ लिखा होता है, मेन बोर्ड के लिए होता है, मेन बोर्ड OCTA लिखा है वो नीचे सब बोर्ड पर। अब इसकी LED उतारेंगे, अब देखिए कैसे उतरती है। पेट्रोल होगा दोस्तों आपके पास, है ना, पेट्रोल ले लेना। और पेट्रोल हल्का हल्का किनारियों पे लगाना है आपको। कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, टेंशन मत लेना, पेट्रोल उड़ जाता है, ये कोई नुकसान नहीं करता फ़ोन को, ये फ़ायदेमंद ही होता है फ़ोन के लिए। अब इस तरीके से किनारे किनारे पे हमने लगा दिया, अब ये इसकी गमिंग को हटा देगा अपने आप, पेट्रोल खा जाएगा इसकी गमिंग को। यहाँ थोड़ी सी ब्लेड साइड में डालेंगे, ये देखिए दोस्तों निकल गई ना इसकी, ये सही सलामत हमने पूरी साबुत निकाल ली भाई, ठीक है ना। तो इसका कोई पत्ता काटा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। और अब ऐसी ही सेम LED हम डालेंगे, ठीक है, OLED। वीडियो में बने रहना दोस्तों, इसकी पहले किनारियां साफ़ कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद LED डालते हैं इसमें। इस तरीके से दोस्तों इसकी किनारियाँ साफ़ कर लेना दोस्तों। किनारियाँ तो हमने पूरी साफ़ कर ली हैं, आप देखिए इस पुराने वाले फोल्डर में से है ना, इसके कैमरे के ऊपर एक घेरा सा लगा हुआ था, ये वाली रबड़, ठीक है, गोल गोल सा छल्ला सा, ये हमको उतार कर इसमें से मैंने उतार दिए है। और अब हम नए वाले फोल्डर में लगाएंगे। देखिए ये है इसकी OLED, ये होती है OLED। और इसका स्टिकर मैं अभी हटा देता हूँ, स्टिकर हटाना पड़ेगा हमको याद करके। LED की पहचान ये होती है भाई, वो एकदम पतली होती है, बहुत पतली, जितना पतला आप यहाँ से उतारोगे ना, जैसी LED उतारी हमने एकदम पतली सी, वैसी पतली सी होती है एकदम। और इसकी फिटिंग चारों तरफ से मस्त आएगी, कहीं से भी साइड से लाइटें नज़र नहीं आ सकती, OLED ऐसी होती है, ठीक है। और इसके ये जो दो ऊपर के छेद दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेंसर वाले होते हैं, ये आर पार दिखाई देंगे दोस्तों, इसके नीचे अगर कोई चीज़ आएगी तो हमें नज़र आएगी, वो आर पार दिखाई देगा। लोकल वाले फोल्डर में LCD और TFT में आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, ये सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा, बाहर का कुछ नज़र नहीं आएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का, दिखाई दिया, दो छेद दिखाई दे रहे हैं ना पीछे के, बस ये पहचान होती है दोस्तों इसकी, ठीक है। और LED एकदम पतली होती है, और इसके ग्राफिक्स बड़े अच्छे आते हैं, जैसे ही मतलब कंपनी से लग के आया था ना फोल्डर, वैसे ही आपकी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही लगेगी आपको। अच्छा दोस्तों इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ये OLED इस वक्त 1600 रुपये की मिल रही है मार्केट में, ये मार्केट की ओरिजिनल OLED है, ठीक है, ये सर्विस सेंटर की ओरिजिनल नहीं है,
ये आप समझ जाइएगा, आपको काफ़ी बंदे हैं ना मैनिपुलेट करेंगे भाई, झूठ बोलेंगे कि ये ओरिजिनल लगा दूँ 100%। ये भाई साहब सैमसंग की ओरिजिनल नहीं है, ये मार्केट की ओरिजिनल इसको बोलते हैं, और है ओएलईडी ये एकदम पतली सी, और इसकी फिटिंग बहुत प्यारी आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमें। अब देखिए आपको मैं मार्केट की ओरिजिनल और सैमसंग केयर की ओरिजिनल के बारे में थोड़ा फ़र्क बता देता हूँ आपको। इसमें देखिए सैमसंग केयर की जो ओरिजिनल है इसमें ग्राफिक्स आईसी वगैरह लगी हुई हैं, रेजिस्टेंस कॉइल्स डायोड काफ़ी चीज़ें इसमें लगी हैं जो कि इसको मैनेज करती हैं ग्राफिक्स को, आरजीबी कलर को। और इसमें जो है इसमें देखिए ये क्या कंजर खाना सा मचा रखा है, ये इसमें दो चार कैपेसिटर दे रखे हैं बस, इससे ज़्यादा और कुछ दे ही नहीं रखा है ना। और ये टच की आईसी है, इसमें टच की आईसी तो सेम है, इसकी भी इसमें ये ओरिजिनल होती है, और इस ओरिजिनल में ये कॉपर लगा होता है भाई, कॉपर का कवर होता है पीछे डिस्प्ले को बचाने के लिए, और फोम लगा होता है, उसके बाद एलसीडी आती है। ये कैमरे के ऊपर है ना ये रबड़ बहुत ज़रूरी होती है, ये कोई जो बंदा आपका मोबाइल रिपेयरिंग वाला कोई अच्छा ही होगा ना, वो बंदा जानने वाला वो ही ऐसे काम करेगा भाई साहब, वरना नया बंदा ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि ये अगर लगा दिया ना आपने ये रिंग लगाते वक्त, डिस्प्ले लगाते वक्त, डिस्प्ले लगाने से पहले, तो भाई साहब आपके कैमरे में मट्टी नहीं जा सकती, वरना आप अपने कैमरे को देखना, अभी आप जिस फ़ोन में देख रहे हैं उसके कैमरे में मट्टी अगर जा रखी हो ना तो समझ जाना आपने जब चेंज कराई थी ना डिस्प्ले तो उसने ये रिंग नहीं लगाई थी इसकी, तो इसलिए पहले ही अलर्ट हो जाए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको अलर्ट कर दूं पहले ही। अब देखिए इसमें हम इस तरीके से ये लगा लेंगे, पेस्ट लगाना है, ये फेवी बॉन्ड ले लीजिए, 10-15 रुपए की ट्यूब आएगी स्टेशनरी की शॉप से। अब देखिए इस तरीके से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे, ये डाल दी और हम इसको रख देंगे। अब देखिए इसकी फिटिंग कितनी प्यारी आएगी, जैसी आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब कि फोल्डर चेंज हो गया आपका, ऐसी फिटिंग आ जाएगी एकदम ओरिजिनल की तरह आएगी भाई साहब। और बाकी अगर एलसीडी या टीएफटी हम लगाते हैं ना तो इसकी यार फिटिंग सही नहीं आती, साइड से है ना लाइटें नज़र आती हैं। जल्दी जल्दी हम ये सामान लगाते चले जाएंगे, बैटरी का पत्ता भी अब लगा देंगे हम। अब दोस्तों सेट हो गया ऑन हमारा, अब ये देखिए एलईडी है ना बड़ी प्यारी चलती है, जैसा चलता था ना सेट वैसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं पासवर्ड खोल देता हूँ, वरना आप पासवर्ड जान जाओगे तो फिर आप भी खोल दोगे। इसके कलर वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, और देखिए इसकी साइड में से ना बिल्कुल भी लाइट नज़र नहीं आ सकती कहीं से भी। अभी मैं रबड़ लगाऊंगा फिर ये एकदम ही फिट हो जाए, देखिए बिल्कुल फिट हो चुकी है, एकदम फ्रेम के अंदर घुस जाती है ये बिल्कुल बिंदास तरीके से। अब इसमें ना रबड़ मार देता हूँ यार मैं जल्दी से, है ना, वरना थोड़ा सा इसको टाइम देर नहीं करनी हमको। ऐसे आप रबड़ लगा दीजिए, उसके बाद बिंदास यूज़ कीजिएगा, मस्त मस्त चलेगी एकदम, बहुत अच्छी चलती है एलईडी, आप कह के लेंगे एलईडी 1600 रुपए की इस वक्त है। ये है M31 की, काफ़ी भाई कमेंट में पूछ भी रहते हैं, उनको जवाब मिल गया होगा इससे वीडियो से। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।